आरपीटेक में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक। वैसे दोस्तों, आज भी हम आप सभी के लिए एकदम कमाल की ताजा खबरें लेकर आ चुके हैं। आप सभी को सुनने में जरूर से मजा आएगा, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली ही बार आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को बजाइए, क्योंकि हम इसी तरीके से रोजाना आपके लिए वीडियोस जो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए आज की भी टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं दोस्तों टेस्ला से। फिर टेस्ला अपने कदम रखना चाहता है, पाव जमाना चाहता है भारत में, तो इसके लिए भी वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार पहले कहा जा रहा था कि भाई टेस्ला ने हमारी गवर्नमेंट से भी बातें की है, अब यहाँ पर वो रिलायंस से भी बातचीत कर रहा है। अब यहाँ पर रिपोर्ट ऐसा कह रहे दोस्तों की भाई टेस्ला की जो कार्स है वो हमें इस साल के अंत तक देखने को मिल जाएगी, क्योंकि भाई टेस्ला अपने दो बड़े शोरूम ओपन करने वाला है जो की हमें न्यू दिल्ली एंड मुंबई में देखने को मिलने वाले हैं। वैसे दोस्तों, आने वाले वक्त और भी जो मेट्रो सिटीज है जिसमें हमें टेस्ला के नए शोरूम्स देखने को मिल जाएंगे, वैसे काफी अच्छी बात है। पर मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं दोस्तों टेस्ला की कार को लेकर। देखते हैं सबसे पहले टेस्ला की कौन सी कार होती है जिसे भारत में लॉन्च किया जाता है। सैमसंग की बात करें दोस्तों, सैमसंग की अपकमिंग स्मार्ट वॉच सैमसंग गैलेक्सी वॉच 7, जो कि हमें कहा जा रहा है सैमसंग का जो अपकमिंग इवेंट आएगा गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट, जो कि पॉसिबली कहा जा रहा है जुलाई 2024 में हमें देखने को मिलेगा, तभी इसे भी लॉन्च किया जाएगा। वैसे ये जो स्मार्ट वॉच आएगी जिसमें हमें पहली बार सैमसंग की उनकी खुद की चिपसेट का इस्तेमाल देखने को मिलने वाला है ये स्मार्ट वॉच में। जी हाँ, एक्सिनोस W1000 चिपसेट। जी हाँ दोस्तों, वैसे काफी बेहतरीन चिपसेट रहेगी, 3 nm पर बेस ये चिपसेट रहने वाली है। अब देखते हुए ये जो नई स्मार्ट वॉच आएगी जिसमें हमें क्या कुछ नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और ये स्मार्ट वॉच की क्या प्राइस सेट करता है सैमसंग, लेट्स सी। Vivo की बात करें दोस्तों, Vivo का अपकमिंग स्मार्टफोन Vivo Y200i, ये स्मार्टफोन हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये स्मार्टफोन 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर आ चुका है। इसके अलावा भाई गीग बैच पर भी लिस्ट हो चुका है, जहां से पता लग रहा है दोस्तों स्मार्टफोन आएगा जिसमें हमें Qualcomm Snapdragon 4Gen2 चिपसेट देखने को मिलेगी, 8GB रैम का सपोर्ट होगा, Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा एंड 44W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी होने वाला है। वैसे दोस्तों, कहा जा रहा है ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी चाइना में लॉन्च होगा और उसके बाद इसे ग्लोबली भी लॉन्च किया जाएगा, में भी शायद से भारत में भी देखने को मिले। वैसे ये जो स्मार्टफोन होगा जिसका जो बेस वेरिएंट है वो 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ आएगा, जिसकी प्राइस कही जा रही है 1799 चीनी युआन होगी, यानी कि अप्रोक्सीमेटली अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट करें तो कुछ 21,200 रुपीस के आसपास होता है। जी हाँ, वैसे देखते हैं दोस्तों स्मार्टफोन में कितनी जल्दी देखने को मिल जाता है। दोस्तों बात करते हैं गूगल की। भाई गूगल पिक्सल 9 सीरीज जिसके बारे में आपसे कल ही बात की, अब यहाँ पर दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स ऐसा कह रही है कि भाई गूगल अपना पिक्सल 9 प्रो फोल्ड, ये जो उनका अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन है, वो भी सेमी इवेंट में लॉन्च करेगा। जी हाँ, वैसे अच्छा मूव नहीं है, सैमसंग के जैसा रखना चाहिए कि भाई फोल्डेबल स्मार्टफोन को अलग से ही लॉन्च करे सेपरेटली। वैसे उनकी जो फ्लैगशिप सीरीज की जो लाइनअप होती है जिसे भी सेपरेट लॉन्च करना चाहिए। वैसे आपकी क्या सोच है इसके बारे में कमेंट में जरूर से बताइए। मोटोरोला की बात करें दोस्तों, मोटोरोला ने फाइनली मोटो एज 50 फ्यूजन एंड मोटोरोला एज 50 अल्ट्रा दोनों ही स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है यूरोप में। वैसे दोस्तों, अगर स्पेक्स के बारे में बात करें तो मोटो एज 50 फ्यूजन ये जो स्मार्टफोन है जिसमें हमें 6.7 इंच की FHD प्लस POLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन भी देखने को मिलने वाला है। वैसे इसके अलावा दोस्तों, Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 चिपसेट की ताकत देखने को मिल जाएगी, 50+13MP का ड्यूल रियर कैमरा सेटअप होने वाला है, हालांकि 32MP का हमें फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, 5000mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है 68W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ, Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स होगा, IP68 की रेटिंग, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिलेंगे। वैसे इस स्मार्टफोन की अगर कीमत की बात करें तो कुछ इंडियन करेंसी के हिसाब से अप्रोक्स में इसे 35,500 रुपीज में लॉन्च किया गया है यूरोप में। जी हाँ, जबकि बात करें दोस्तों मोटोरोला एज 50 अल्ट्रा स्मार्टफोन के स्पेक्स की, तो भाई इसमें हमें 6.78 इंच की 1.5K के रेजोल्यूशन के साथ आने वाली POLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 चिपसेट की ताकत देखने को मिल जाएगी, 50+64+50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होने वाला है, 50MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, 4500mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है 125W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ,
50 वॉट का हमें वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स होगा, IP68 की रेटिंग भी देखने को मिल जाएगी, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, वाईफाई 7 और भी तरह तरह के फीचर है। वैसे दोस्तों यही स्मार्टफोन की अगर कीमत की बात करें तो मैं इसकी जो प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली इंडियन करेंसी के हिसाब से कुछ 90,000 रुपए के आसपास रखी है। जी हाँ, वैसे इन दोनों स्मार्टफोन में से कोई भी स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च किया गया तो वो डेफिनेटली यूरोप की जो प्राइस है उससे कम ही प्राइस में भारत में लॉन्च होगा। वैसे आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट में जरूर से बताइए। रेडमी की बात करें तो भाई हमने आपको कुछ 4 या 5 दिन पहले की टेक न्यूज में बताया था, एक एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि भाई रेडमी का हमें एक नया टैब बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा और उसके साथ ही हमें एक नया वैक्यूम क्लीनर NTWS भी देखने को मिलने वाले। जी हाँ, अब यहाँ पर ये जो बात है वो कंफर्म हो चुकी है क्योंकि भाई रेडमी पैड SE इसका लैंडिंग पेज निकल कर बाहर आ चुका है। 23 तारीख को ये भारत में देखने को मिलने वाला है और इसी के साथ कहा जा रहा है हमें नया वैक्यूम क्लीनर TWS एंड साथ ही साथ हमें एक नया हेयर ड्रायर भी देखने को मिलने वाला है रेडमी की ओर से। यानी कि दोस्तों जो भी आपको बात बताते वो मोस्टली सही निकल कर सामने आती है। वैसे देखते हैं दोस्तों रेडमी इन सभी प्रोडक्ट्स की क्या प्राइस सेट करता है भारत के लिए, लेट्स सी। व्हाट्सएप की बात करें दोस्तों, व्हाट्सएप पर एक मजेदार फीचर आ चुका है जिसके लिए काफी टाइम से इंतजार था। भाई आप जो इमेजेस या वीडियोस वगैरह शेयर कर पाते थे वो HD क्वालिटी में शेयर कर पाते थे, उसके बाद आया HD क्वालिटी। वहां पर हमें ऑप्शन सिलेक्ट करने को मिल रहा था कि भाई HD क्वालिटी में शेयर करना है या फिर HD क्वालिटी में, पर अब यहाँ पर दोस्तों व्हाट्सएप ने एक अपडेट को रोल आउट कर दिया है जहां पर भाई आप बाय डिफॉल्ट HD क्वालिटी में वीडियोस को शेयर कर पाओगे या फिर इमेजेस को। जी हाँ, अब बाय डिफॉल्ट HD क्वालिटी में वीडियो इमेजेस को शेयर किस तरीके से करना है इसका सेटिंग अगर आपको नहीं पता तो वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको WhatsApp सेटिंग में जाना है, तो दोस्तों आपको स्टोरेज एंड डेटा पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे मीडिया अपलोड क्वालिटी पर आपको क्लिक कर देना है और वहां पर क्लिक करते आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिफॉल्ट HD क्वालिटी। जैसे वहां पर राइट साइन कर दोगे यानी कि क्लिक कर दोगे तो आप जो भी वीडियोस इमेजेस वगैरह शेयर करोगे वो बाय डिफॉल्ट HD क्वालिटी में ही शेयर होगे। ये आपको फीचर पता था, वैसे ये फीचर आ चुका है सभी यूजर के लिए। आप खुद से चेक कीजिए आपको मिला भी है या नहीं, कमेंट में जरूर से बताइए। काम के डील की बात करें दोस्तों, अगर आपको चाहिए साउंड बार वो भी कम कीमत में वो भी अच्छी ब्रांड का, तो ये जो डील है ना वो आपके लिए डेफिनेटली काम की होने वाली है। दोस्तों सैमसंग के और से वाला साउंड बार अभी फिलहाल आपको काफी कम कीमत में अमेजोन पर देखने को मिल जा रहा है और ये साउंड बार के अगर कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो भाई 2.1 चैनल सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, डॉल्बी डिजिटल का सपोर्ट मिलेगा, उसके अलावा भाई 300 वॉट के आउटपुट के साथ आने वाले जो साउंड बार है जिसमें आपको 3 स्पीकर्स भी देखने को मिलने वाले, वायरलेस सब ऊपर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, वैसे इसी के साथ आपको दोस्तों एक रिमोट कंट्रोल मिल जाएगा, ब्लूटूथ का भी सपोर्ट मिलने वाला है और 1 साल की वारंटी भी देखने को मिल जाएगी। और क्या चाहिए, पर यही साउंड बार की अगर कीमत की बात करें तो ये अभी आपको अमेजोन पर देखने को मिल जाए सिर्फ 11,990 रुपए में। वैसे काफी बेहतरीन डील है, अगर आपको चाहिए तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो, उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करें दोस्तों, स्टेलर ब्लेड ये जो गेम है जो कि 9 मार्च को रिलीज होने वाली थी पर ये गेम कोई वजह से डिले हो गई, अब ये गेम फाइनली 26 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। जी हाँ, और ये एक एक्सक्लूसिव PS5 का टाइटल होने वाला है। वैसे एक एक्शन एडवेंचर फाइटिंग गेम रहने वाली है, अगर आपको भी इस टाइप की ही गेम खेलने का मजा आता है तो ये गेम आपके लिए काफी बेहतरीन होगी। वैसे ग्राफिक्स भी काफी बेहतरीन होने वाली है, स्टोरी लाइनअप भी ऐसा कहा जा रहा है। अब ये तो क्या है कि भाई गेम के आने के बाद ही पता चल सकता है। वैसे दोस्तों आप हमें ये बताइए आपकी सबसे पसंदीदा फाइटिंग गेम कौन सी है, चाहे स्मार्टफोन पे, चाहे कंसोल पे, चाहे PC पे, जो भी गेम आपको पसंद कमेंट में बताइए। तो बस आज की टेक न्यूज यहाँ पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पर आप जरूर से नए हो गए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप ऑलवेज स्मेलिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।